हेलो गाइस, वंस अगेन आई एम हियर, डोंट फियर बिकॉज आई एम योर नियर। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जान लीजिए, जो लोग अभी भी रेडी नहीं है, अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी सो रहे हैं, जागिए, क्योंकि अ लेजी पर्सन नेवर नोज द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। एक आलसी बंदा कभी भी सफलता का सही अर्थ नहीं समझ सकता है। वैसा आप भी हो रहे हैं तो नहीं, इसलिए आप रेडी हो जाइए। दूसरी बात याद रखिएगा कि आप लोग टेंस चल रहे थे, जिसमें भी स्ट्रक्चर पैटर्न्स बताया थे, और आप स्ट्रक्चर कुछ है नहीं, बस वर्ड का कमाल है, जितना वर्ड यूज़ करें उतना ही निखरेंगे। आप वर्ड को जानिएगा, दो चार स्ट्रक्चर्स बताने के बाद हम आपको पैकेज में ही उसमें समाहित करके दे देंगे, उसमें इंक्लूड कर दूंगा, और बाकी आप समझ सकते हैं, क्योंकि वर्ड केवल एक खेल है, बस एक माचिस की तिल्ली है और उससे आप आग लगाने का काम करते हैं, और है कुछ नहीं, बस वर्ड का खेल, जस्ट लाइक माचिस का तिल्ली, समझ गए। तो माचिस की तिल्ली से जैसे आग लगाते हो, वैसे वर्ड का कमाल है, और स्ट्रक्चर जितना बद बना सकते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बना सकते हैं, बस वर्ड का कमाल। मैं तो केवल इंटरेस्ट आप लोग के जगने के लिए वर्ड का कमाल मैं सिखा रहा हूँ। तो चलिए आज मैं कुछ नया बताता हूँ। तो कल मैंने स्ट्रक्चर वन बताया था, इसके पहले चॉइस के बारे में बताया था। चॉइस में आप लाइक लगा सकते हैं, लव लगा सकते हैं, जैसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो आई लाइक रीडिंग, या आई लव रीडिंग। यहाँ पे लाइक और लव दोनों लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अच्छा लगता है तो केवल लव ही लगा दें, क्योंकि चॉइस को लिए लाइक भी लगा सकते हैं, लव भी लगा सकते हैं। तो केवल हम लोग बस पहचान की ओर दौड़ते रहते हैं, केवल पहचान की ओर ना जाएं, बल्कि कॉन्सेप्ट की तरफ आएं। तो चलिए जागिए, हम लोग आज स्ट्रक्चर नंबर टू, स्ट्रक्चर नंबर टू, और भी बहुत सारे 8-10 पहले बता चुका हूँ, एक ही साथ इंक्लूड करके बता दिया था, और इधर कुछ न्यू जिसमें आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसी तरह से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोग को ये स्ट्रक्चर्स चेंज करके आगे की ओर क्लास बढ़ा दूंगा, क्योंकि एक दो दिन और बता देता हूँ, एक दो दिन, उसके बाद तो हज़ारों की संख्या मना सकते हैं, बस वर्ड का कमाल है तो बडलॉज ही है। तो आइए स्ट्रक्चर टू, इसका नाम अवॉइडेबल हैबिट ऑफ प्रेजेंट। देखिएगा, अवॉइडेबल हैबिट ऑफ प्रेजेंट यानी वर्तमान के परहेज वाले आदत, आदत ही है, बताए थे प्रेजेंट इंडिपेंडेंस जो है आदत को ही शो करती है, लेकिन यह शो कर रही कैसा आदत भाई, तो परहेज वाले आदत, परहेज बताएगी, परहेज समझते हैं ना, खैनी खाते हैं तो रोक लगाते हैं, तो परहेज हो गए, हम रोक लगा दिए तो परहेज कर रहे हैं, आप रोक नहीं खा रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, आप अंग्रेज से आपका आप जी चुराते हैं तो परहेज हो गया, समझ रहे होंगे मेरी बात को। और परहेज को व्यक्त करने के लिए हम लोग अवॉइड का प्रयोग करते हैं, अवॉइड के बाद भी फोर आते हैं, बस यही तो है वर्ड, यही तो आपका स्ट्रक्चर है। अवॉइड के बाद क्या लाते हैं, वी फोर, अवॉइड के बाद क्या लाते हैं, वी फोर, अवॉइड के बाद क्या लाते हैं, वी फोर का प्रयोग करते हैं। अब इस अवॉइड का अर्थ क्या देगा, अवॉइड का अर्थ क्या देगा, तो नजर कतराना, जी चुराना, दूर रहना, समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं, देखिए गौर से, हाँ, तो नज़र कतराना, जी चुराना, दूर रहना, या किसी चीज़ से बचते हैं, बचना बोल सकते हैं, बस यही तो है। अवॉइडेबल हैबिट ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान के परहेज वाले आदत,
ये भी आदत है, वर्तमान की आदत ही बताया जा रही है, लेकिन यह अवॉइड के माध्यम से बताऊंगा। अवॉइड अपने बाद भी फोर को व्यक्त करती है, अपने बाद भी फोर को लेती है, यानी इसका अर्थ क्या होता है? अवॉइड नजर कतराना, जी चुराना, दूर रहना या बचना। से बोलते हैं वह नाचने से जी कतराती है, वह नाचने से जी चुराती है, वह नाचने से दूर रहती है, या वह नाचने से बचती है। एक ही है तरीका बोलने का, है शर्म में परहेज है। तो हम लोग बस जी चुराती है, अब जी चुराना का लक्ष्य खोजने लगते हैं, जी चुराती है, नज़र कतराती है, तब नज़र कतराता खोजने लगते हैं। अब सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है बच्चे, कि जब एक परहेज बताई जा रही है, परहेज टाइप का है ना, तो जब परहेज बताई जा रही है तो केवल अवॉइड लगाना है। सेंटेंस को पहले समझिए, पढ़िए, आखिर उस सेंटेंस से क्या निकलता है। जैसे कल बताए थे चॉइस वाले, उसका चॉइस को कंपैरिजन बता दिए, कंपैरिजन किए थे, तुलना किए थे। तो सीखना है तो पहले सेंटेंस को पढ़कर सीखिए, सेंटेंस को पढ़िए, समझिए, केवल पहचान की ओर मत दौड़ते रहिए, ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आई पहचान, एक जनरल आप लोग को इंडियन है तो पहचान बता दिया गया, उस पर भी फोकस रख सकते हैं, पर आप इन बातों से दूर ना जाएं, इसलिए आप इसको कॉपी करिए पॉज करके। यानी परहेज बताने वाले को हम अवॉइड से व्यक्त करते हैं, नज़र कतराना, जी चुराना, दूर रहना है बचना। अवॉइड अपने बाद भी फोर लेगी। स्ट्रक्चर नंबर टू लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। अब इसको हम कैसे सेंटेंस में सेट करेंगे वो ध्यान देंगे हम लोग। सेंटेंस में सेट करने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्रेजेंट में चल रहे हैं तो सब्जेक्ट को भी वन भी फाइव, अवॉइड या अवॉइड्स, ये तो जानते हैं। वी वन लगाएंगे एंड वी फाइव लगाएंगे, प्लुरल के साथ एंड सिंगुलर के साथ, लेकिन आई और यू को छोड़कर, आई यू इसी में लगेगा, ठीक है। आई यू सिंगुलर, आई और यू सिंगुलर है ना, लेकिन भर वन ही लगता है, याद रखिएगा। बाकी सिंगुलर जितना भी रहेंगे, नाउन तो जितना भी सिंगुलर रहेंगे, हमेशा वी फाइव लगाएंगे। अवॉइड के बाद वी फोर, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड अंत में, फुल स्टॉप। अब इसका छः फॉर्म बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। जैसे वह पढ़ने से नज़र कतराती है, एक, वह पढ़ने से नज़र नहीं कतराती है, दो, क्या वो पढ़ने से नज़र कतराती है, तीन, क्या वो पढ़ने से नज़र नहीं कतराती है, चार, वह क्यों पढ़ने से नज़र कतराती है, पाँच, और वह क्यों पढ़ने से नज़र नहीं कतराती है, छः। कम से कम इस हर एक टाइप से कम 10 सेंटेंस बनाना है आप लोग को, और बोलना है, बोल कर बनाना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मोदी जनता से मिलने से नज़र चुराते हैं, परहेज करते हैं, यानी इसका मतलब बचते हैं जनता से मिलने से, क्या करते हैं, बचते हैं, परहेज करते हैं, जो भी हो। मोदी नहीं चुराने, यानी अब परहेज कर रहे हैं, अवॉइड, यहाँ मोदी हैं, अवॉइड्स करेंगे। अवॉइड के बाद भी फोर, मीटिंग द पीपल, देख रहे हैं, आगे आइए, उतार लीजिएगा रोक कर। राधा नाचने से जी चुराती है, राधा अवॉइड्स डांसिंग। नेगेटिव रहेगा, डूडो नेट नोट लगाइएगा। मदन खेलने से बचता है, तो बचता है मतलब परहेज करता है ना, कि बचना का अलग से वर्ड खोजते रहिए, खोजते रहिए, ढूंढते रहिए, डिक्शनरी में मिलने वाला नहीं है। ये माइंड पावर है, पावर लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ बचना का, बचा का ऐसा ना कुछ लगा दीजिए, दूसरा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मदन, मदन अवॉइड्स, वी फाइव लगेगा मदन के साथ। प्लेइंग नेगेटिव रहेगा। जैसे तीसरा, मैं
मैं पढ़ने से नज़र चुराता हूँ, मैं पढ़ने से नज़र नहीं चुराता हूँ, निगेटिव करते हैं तो आप जानते हैं निगेटिव बनाते से प्रेजेंट टेंस का डू डज नॉट लगाते हैं, आई डू नॉट अवॉइड रीडिंग, बन गया निगेटिव। इंट्रोगेटिव वगैरह बनाना जानते हैं, बांध बना लीजिए। निगेटिव हो गया इंट्रोगेटिव, क्या तुम गाने से बचते हो, डू यू अवॉइड सिंगिंग, राधा क्यों, ये यस नो क्वेश्चन हो गया, डिस्कशन दे रहा हूं, राधा क्यों नाचने से जी चुराती है, Why does Radha avoid dancing? इस तरह से आपका एक और स्ट्रक्चर खत्म हो गया और आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह समझ गए होंगे। केवल आप चुराना का अलग मत लगा दीजिएगा, बचना का अलग मत लगा दीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाना है तो वर्ड जैसे मैं अभी बताया अवॉइड प्लस बिफोर, अवॉइड का मतलब जी चुराना, नज़र कतराना, बचना, इस तरह से लिखना है, ना कि सब में पहचान मारते रहना है, बल्कि वर्ड का इस्तेमाल करना है। जैसे चॉइस में ये ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ तो यहाँ वांट लगाना है, उसी तरह से इसमें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और जानना का जानकारी के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, ना कि केवल याद कि हम पहचान जान गए तो सीख ली, नहीं, कॉन्सेप्ट सीखिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से भली भांति जान गए होंगे और इसको ज़रूर कॉपी करिए, लिखिए और कम से कम हर एक टाइप को 10 बार यूज़ करना है, इस तरह से आप लोग 60 बार यूज़ कर लेंगे। ओके।